अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब खरीय से होंगे मैं हूं उमैर और आप देख रहे हैं मेटा इंजीनियरिंग मेरे इस चैनल पर मिलेंगी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस सो अप टू डेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक like और शेयर कर दें और चलते हैं आज हम अपने इंडस्ट्रियल मटीरियल के सेकेंड लेक्चर की तरफ जो कि है मकैनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स सो वट इज़ मीन बाई मकैनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मटीरियल that प्रॉपर्टीज ऑफ आर to applied load. तो so, अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जानना क्यों जरूरी है हमारे लिए तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि कोई मटेरियल किधर यूज करेंगे हम और किधर इसको यूज नहीं करना फॉर एग्जांपल इस तरह से देखते हैं हम इसको कि अगर किसी फर्नस के अंदर आपने कोई मटेरियल यूज़ करना है तो आप देखेंगे कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो या इसी तरह अगर आपने कोई अंडर वाटर कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए आप देखेंगे कि आप जो मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्रिजन रेजिस्टेंट हो ये सारी चीज़ें हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ही बताती हैं राइट सिलेक्शन करने के लिए मटेरियल की उसकी राइट right प्लेस के ऊपर तो आज की इस वीडियो में हम वन बाय वन इन सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तो चलते हैं हम आज की अपनी इस पहली प्रॉपर्टी की तरफ जो कि है स्ट्रेंथ सो so अब हम देख लेते हैं व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेंथ इन अ मटेरियल इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स विदाउट डिस्टॉर्शन और ब्रेकिंग तो स्ट्रेंथ की हमारे पास फर्दर फोर टाइप्स आ जाती है आगे जो कि है टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शीयर स्ट्रेंथ और टोर्शनल स्ट्रेंथ फर्स्ट पे है हमारे पास टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्स अगर किसी मटेरियल को दोनों साइड से पकड़ के आप खींच रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जो मटेरियल रेजिस्टेंस करता है उसकी इस प्रॉपर्टी को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं सेकंड पे हमारे पास आ जाती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि वो रेजिस्ट करता है क्रशिंग फोर्स के अगेंस्ट मतलब कि सर आप दोनों साइड से अगर प्रेस कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थर्ड वन हमारे पास आ जाती है शेयर स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट शेयर फोर्स शेयर फोर्स मींस के वन फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड सेकेंड फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है लाइक like हमारे पास एक सीजर है उसे आप एक पेपर कट कर रहे हैं तो सेम टाइम में

कार ड्राइव करते हुए अपने स्टेयरिंग को रोटेट करते हैं तो आप क्या करते हैं कि एक हैंड से आप उसको डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं और सेकंड हैंड आपका अपवर्ड फोर्स लगा रहा होता है या जब आप एक बोतल का कैप ओपन करने के लिए ओपनर यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि आप ओपनर के लीवर को अपवर्ड फोर्स दे रहे हैं जबकि ओपनर का एंडिंग पॉइंट डाउनवर्ड ड कर रहा होता है तो ये हमारे पास टोर्शनल फोर्स की एग्जाम्पल आ जाती है नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी स्टिफनेस स्टिफनेस इज लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्टिफनेस या इसकी एक सेकंड डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस तो हर एक मटेरियल की स्टिफनेस अलग अलग होती है लाइक अगर हम स्प्रिंग्स की बात कर लें तो हमारे बॉल पेन के अंदर एक स्प्रिंग प्रेजेंट होता है और हम अपने हाथ से फोर्स लगा के उसको प्रेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू बात की जाए अगर ट्रेन के व्हील्स के साथ स्प्रिंग होता है तो इतने ज्यादा लोगों का वेट कैरी करने के बावजूद इसमें माइनस सी डिफ्लेक्शन होती है तो हर मटेरियल की और हर स्प्रिंग की स्टिफनेस अलग अलग होती है नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस हार्डनेस जो है अबिलिटी ऑफ फॉर मटीरियल टू रिजिस्ट इंडेंटेशन एंड स्क्रैचिंग बाय अ हार्ड मटीरियल इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं कि लाइक अगर मैं अपने नेल के साथ अपने हाथ को स्क्रैच करने की कोशिश करूं तो इसके ऊपर स्क्रैच हो जाएगा क्योंकि मेरा नेल मेरे हैंड से ज्यादा हार्ड है अगर मैं अपने नेल के साथ इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर स्क्रैच करने की कोशिश करूं तो इस व्हाइट बोर्ड को तो कुछ नहीं होगा हाउ मेरा नेल इंजर्ड हो जाएगा इसीलिए जो टेस्टिंग मशीन होती हैं उनके टूल्स हार्ड मटीरियल से बनाए जाते हैं ताकि दूसरे मटीरियल की हार्डनेस को चेक किया जा सके एग्जाम्पल हमारे पास डायमंड जो है वो एक हार्डनेस मटेरियल है नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टफनेस इट इज द ऑफ मटेरियल टू एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर टफनेस और हार्डनेस मिलती जुलती हैं दोनों इनमें थोड़ा डिफरेंस है इसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं एक शीशा है हमारे पास ग्लास उसको आप एक एम mm एम भी खींच नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर आप जब फोर्स लगाएंगे तो वो सडन ब्रेक हो जाएगा तो बेसिकली टफनेस यही होता है कि वो सडन जर् या कोई शाक को बेयर कर सकता है या नहीं तो ग्लास हमारा हार्ड मटेरियल तो हो सकता है लेकिन वो टफ मटेरियल नहीं है तो नेक्स्ट हमारे पास जो दो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं वो है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी में हमारे पास क्या होता है कि इट इज अबिल्ड ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड और प्लास्टिसिटी में हमारे पास क्या होता है नॉट रीगेन टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड इसको एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक मटेरियल था उसकी लेंथ एल ओ थी हमने इस पर फोर्स लगाई यानी दोनों साइड से इसको खींचा तो इसकी लेंथ में इजाफा हुआ इजाफा होने के बाद इसकी लेंथ एल वन होगी लेकिन जब हमने इससे फोर्स को हटाया तो इसने दोबारा अपनी शेप रीगेन कर ली और ये अपनी दोबारा पहले वाली हालत एल ओ में आ गए यानी कि इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन हुई वो टम्प्रेरी थी परमानेंट नहीं थी एज कम्पेयर टू हम प्लास्टिसिटी में देखते हैं हमारे पास एक मटीरियल है इस पर हमने फोर्स लगाई एल ओ से वो अपनी लेंथ इंक्रीज करके एल वन में आ गया लेकिन जब हमने फोर्स हटाई तो तब भी वो अपनी इसी पोजिशन एल वन में ही रहा उसने अपनी शेप जो है रीगेन नहीं की यानी उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई जब भी किसी मटीरियल को इलास्टिसिटी लिमिट से ज़्यादा आप खींचते हैं या उसको प्रेस करते हैं तो वो प्लास्टिसिटी लिमिट के अंदर आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है करीब इट इज़ अ स्लो डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट लोड विद नॉर्मल टेम्परेचर और सम बुक्स में हमें हाई टेम्परेचर का भी रेफरेंस मिलता है तो हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे भी करीब क्या होती है और हाई टेम्परेचर पे करीब क्या होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे करीब को समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं जिस तरह हमारी कोई ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं हम देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें क्रैक्स पड़ गए हैं और हम कहते हैं कि ये तो लाइक एक खंडर वगैरह बन गया है तो ये सारा कुछ करीब की वजह से होता है और अगर हाई टेम्परेचर की बात की जाए तो हमारे स्टीम टर्बाइन के जो ब्लेड्स होते हैं उनके ऊपर कंटिन्यूसली हॉट एयर जो है टकरा रही होती है तो हॉट एयर की वजह से जो उस टर्बाइन के ब्लेड्स के ऊपर डिफॉर्मेशन हो रही होती है बेसिकली वो करीब होती है नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फटीक फटीक बेसिकली फेलियर ऑफ अ मटीरियल काज बाय साइक्लिक का रिपीटेड लोड अगर किसी मशीन या पार्ट के ऊपर लगातार कोई लोड लग रहा है या कोई लोड चेंज हो रहा है इम्पैक्ट लोड लग रहा है या सडन जर्क वगैरह लग रहा है तो उसकी वजह से जो मटेरियल के अंदर थकावट एक आ जाती है उसको फटीक कहते हैं जिस तरह नॉर्मल हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह में एक लेक्चर हो रहा है उसके बाद सेकंड फिर थर्ड लेक्चर तो हम थकावट सी फील करते हैं इसी तरह ही सेम मशीनस के अंदर भी लगातार ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के बाद जो थकावट आ जाती है उसको हम फटीक कहते हैं हर मशीन या पार्ट की एक एज डिफाइन होती है जिसमें उसने अपनी 100 परसेंट एफिशंसी या मैक्सिमम एफिशेंसी देनी होती है तो ये भी इंडस्ट्री के अंदर तब ही मुमकिन होता है जब आप डेली वीकली या मंथली बेसिस के ऊपर मशीन को या पार्ट्स वगैरह को ऑब्जर्व करते रहते हैं और आप देखते हैं कि कोई ऑपरेशन की वजह से उनके अंदर कोई फटीक तो नहीं आ रही कोई चेंजिंग तो नहीं आ रही या कोई मशीन अगर चल रही है तो उसकी आवाज़ के अंदर कोई चेंजिंग तो नहीं आ रही इनको ऑब्जर्व करके उस मशीन की एफिशेंसी को आप बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो है डिक्टिलिटी इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इन एबलिंग इट टू बी ड्रॉन इन टू वायर विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स जब आप किसी मटेरियल को फोर्स लगा के खेचें और उसको वायर में कन्वर्ट कर सकें तो मटेरियल की ये प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाएगी लाइक like हमारे पास ये एक मटेरियल था इसके दोनों साइड से हमने इसको फोर्स लगाई और इस मटेरियल को हमने वायर में कन्वर्ट कर दिया हमारे पास कॉपर जो, है।, जो है वो डिक्टाइल मटेरियल की एक बेस्ट एग्जांपल है मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल वायर होती हैं वो कॉपर की बनी होती है नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेलेबिलिटी इट इज अबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू बी रोल्ड इन थिन शीट डिटी में हमने क्या देखा कि हमारे पास कोई एक मटेरियल है उसके ऊपर हमने फोर्स लगा के उसकी लेंथ को इंक्रीज किया था वेलेबिलिटी में हम उसके ऊपर रिपीटिंग किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स लगा के उसकी लेंथ के साथ उसका एरिया भी इंक्रीज करते हैं लाइक like, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर आपने देखा हो ट्रंक बनाने वाले जो लोग होते हैं उनके पास शीट्स होती हैं उसके ऊपर वो रिपीटिंग फोर्स लगा लगा के उसका एरिया रिड्यूस करके और उसके ट्रंक वगैरह बनाते हैं और लास्ट हमारे पास टाइप आ जाती है ब्रिटलनेस सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि के के तो उसमें कोई ना हो या कोई ज्यादा डिफॉर्मेशन ना हो सडन वो ब्रेक कर जाए तो ये उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस कहलाएगी एग्जाम्पल हमारे पास इसकी सरामिक्स और ग्लास वगैरह इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है तो ये तो था हमारा आज का सेकंड लेक्चर जिसमें हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स को डिस्कस किया उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपका कोई भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक टॉपिक के साथ अल्लाह हाफिज़